स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं आज टेरिडोफाइट्स की क्लास सिनोप्सिडा। ये टेरिडोफाइट्स का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 4 हम लोग बना चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। क्लास सिनोप्सिडा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। इस सिनोप्सिडा क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग हॉर्स टेल्स कहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज हॉर्स टेल्स। और इन हॉर्स टेल्स का जो पादप शरीर होता है वो जड़, तने और पत्ती तीनों में विभक्त रहता है। मतलब रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। लेकिन इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, अपस्थानिक होती है, एडवांटेशियस होती है। इनके तनों पर, यदि मैं तनों की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये तना है, तो इन तनों के ऊपर क्या पाई जाती है, दैट इज नोन एज नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये तो आप जानते हैं, नोड्स मतलब क्या होते हैं, पर्व संधियां, और इंटरनोड्स क्या होते हैं, पर्व। तो ये तो क्या हो गए, पर्व संधियां। और दो पर्व संधियों के बीच में, ये जो दो पर्व संधि है इनके बीच में क्या पाया जाता है, इंटरनोड, यानी कि पर्व पाया जाता है। और इनके नोड्स पर, इनके नोड्स पर शल्की पत्तियां लगी रहती है ऐसे। इनके नोड्स पर ऐसे समूह के अंदर चक्र में, नोड्स के ऊपर चक्र में क्या पाई जाती है, दैट इज शल्की पत्तियां लगी रहती है। शल्की पत्तियां मतलब स्केली लीव्स लगी रहती है, और वो चक्र के अंदर क्या होती है, पाई जाती है, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया। तने तथा लीव्स की एपिडर्मिस पर, अब स्टेम के ऊपर, पूरे स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर जो उनकी एपिडर्मिस होती है, जो सबसे बाहर की जो त्वचा है उस पर सिलिका पाई जाती है। और सिलिका के कारण इन पौधों की जो पत्तियां और जो तने होते हैं वो अत्यधिक रफ होते, खुरदरे होते हैं। और यदि हॉर्सटेल के दो पौधे आपस में जंगल के अंदर यदि टकराएं तो इनके कारण जंगल में क्या लग सकती है, आग लग सकती है, फायर लग सकती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पादप हैं जिनके ऊपर सिलिका पाया जाता है। तो याद रखना कि स्पिनोप्सिडा के जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर और तनों के ऊपर उनकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर सिलिका पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, स्पोरिंजिया का निर्माण स्पोरोफिल्स पर होता है। यहां पर शल्की पत्तियां तो है ही है, उसके साथ साथ यहां पर स्पोरोफिल्स भी है ना। यहां पर शल्की पत्तियां तो ही है ये वाली, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होती है, स्पोरोफिल्स होती है, बीजाणुपर्ण होती है। और स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या बनते हैं, स्पोरिंजिया, और स्पोरिंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जितने भी स्पोरोफिल्स होते हैं ना वो शीर्ष के ऊपर, बिल्कुल शीर्ष पर, जैसे मान लीजिए कि ये तना है तो तने के शीर्ष के ऊपर, तने के शीर्ष के ऊपर स्पोरोफिल्स समूहों में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। स्पोरोफिल्स समूह में व्यवस्थित होकर और एक लंबा कॉम्पैक्ट या डेंस कोन बनाते हैं। तो यहां पर शीर्ष के ऊपर क्या बन गया, एक कोन, और ये क्या है, पर्व संध्या है। तो पर्व संध्यों के ऊपर तो ऐसे क्या है, ये पर्व संध्या है, इनके ऊपर क्या चीज है, वर्ल्स के ऊपर, वर्ल्स के अंदर चक्रों के अंदर कौन सी पत्तियां उपस्थित है, शल्की पत्तियां हैं। तो ये वाली जो पत्तियां हो गई वो तो क्या हो गई, शल्की पत्तियां। और यहां पर शीर्ष के ऊपर जो स्पोरोफिल्स है उन्होंने मिलकर और क्या बना दिया, कोन, यानी कि क्या बना दिया, शंकु बना दिया। ठीक है, तो ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि शंकु वायवीय तने के, ये क्या चीज है, तना है, तो तने के, वायवीय तने के शीर्ष पर बनता है, वायवीय तने के शीर्ष पर बनता है। ओके, जिस तने पर शंकु बनता है उस तने को स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं। मतलब ये जो तना हो गया इसको क्या कहोगे, स्पोरेंजियो, इसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या बनता है, जिस तने पर शंकु बनता है उस तने को हम स्पोरेंजियोफोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इस वर्ग के पादपों में इसका मतलब यह हुआ कि दो तरीके की पत्तियां होगी, स्पोरोफिल जिन्होंने कोन बनाया वो, और शल्की पत्तियां जो कि तने पर पर्व संध्यों के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, अच्छा, याद रखो स्केली लीव जो है, शल्की पत्तियां होती है जो कि तने पे होती है, वो अप्रकाश संश्लेषी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, उनका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। ट्रोपोफिल्स इनके अंदर होती नहीं है, ट्रोपोफिल्स क्या, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, ट्रोपोफिल्स वो इनके अंदर एबसेंट होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण है उसका काम जो है, प्रकाश संश्लेषण का काम वो किसके द्वारा हो रहा है, यंग स्टेम्स के द्वारा हो रहा है। और जो स्पोरोफिल्स के ऊपर जो स्पोरिंजिया है, उन स्पोरिंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन, यानी कि समबीजाणुक अवस्था। ठीक है, और ये तो थे जनरल फीचर्स क्लास स्पिनोप्सिडा के।
और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन है, इक्विसिकम है। इसको हम लोग कॉमनली हॉर्स टेल भी कहते हैं। स्पिनोफाइला, ये एक विलुप्त एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, विलुप्त हो चुका है। हाइनिया, राइट, ये सब क्या है, मेंबर्स हैं किसके, क्लास स्पिनोप्सिडा के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सिलिका का जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इक्विसिकम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, स्केली लीव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो था वो स्पिनोप्सिडा क्लास के ऊपर मेरा वीडियो था। अब नेक्स्ट एक ही क्लास बचती है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अपलोड करेंगे, एंड दैट इज नोन एज द फिलीसिनी, लास्ट क्लास ऑफ टाइडोफाइटा, उसको मैं आगे अपलोड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप ले सकते हैं।